क्या दोस्तों आप जॉब की तलाश में हैं और आपको जॉब चाहिए? तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए ही बनाई जा रही है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको 100% है जो जॉब मिल ही जाएगी, और डिस्कस करेंगे उस जॉब के बारे में, कितनी सैलरी मिलेगी, कौन कौन उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, तो वो सभी डिटेल्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैकेनिकल मास्टरमाइंड में। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, ताकि दोस्तों आपको इसी तरह की वीडियोस की अपडेट साथ ही साथ है जो मिलती रहे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब करें YouTube चैनल मैकेनिकल मास्टरमाइंड को, और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलें। तो चलिए दोस्तों आज का ये हमारा वीडियो है जो शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं उस जॉब की डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों जिस जॉब के बारे में आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ उसका नाम है BPO, यानी कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो दोस्तों आप सभी ने कॉल सेंटर के बारे में तो सुना ही होगा, तो दोस्तों उसी को है जो हम BPO भी बोलते हैं, यानी कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अगर दोस्तों आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो BPO की जॉब है जो आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। BPO की जॉब के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो रहती हैं आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बता दूंगा। तो दोस्तों BPO की जॉब को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले अगर बात करें तो आपको बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है जो होनी चाहिए, मतलब आपको कंप्यूटर की जो नॉलेज है जो थोड़ी बहुत है जो आनी चाहिए। और उसके बाद अगर क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों, आप 10th हो या फिर 12th या फिर ग्रेजुएट या फिर अंडर ग्रेजुएट हो तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई है जो कर सकते हैं। इस जॉब को अप्लाई करने के लिए अगर दोस्तों हम एक्सपीरियंस की बात करें तो आप अगर फ्रेशर हैं तो आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर किसी दोस्त को यह नहीं पता BPO की जॉब में करना क्या होता है, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों BPO की जॉब में हमें क्या करना पड़ता है, कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फिर ड्यूटीज़ क्या होती हैं, तो चलिए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों हेल्प कस्टमर्स विद कंप्लेंट्स एंड क्वेश्चंस, मतलब दोस्तों आपको कस्टमर्स की है जो हेल्प है जो करनी होती है, उनकी कंप्लेंट्स है जो आपको आएंगी, उनकी क्वारीज को है जो आपने सॉल्व करना होता है, और आपने उनको अच्छी तरह है जो गाइड करना होता है। और या फिर दोस्तों आपको किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन कस्टमर्स तक पहुंचानी होती है, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन है जो कस्टमर्स को देनी होती है और आपने उनको गाइड है जो करना होता है। दोस्तों BPO जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फिर ड्यूटीज़ को थोड़ा आसानी से समझने के लिए, मान लीजिए कोई कस्टमर आइडिया या फिर एयरटेल कंपनी को कॉल करता है अपने फ़ोन के नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से, तो दोस्तों जो कॉल लगेगी वो BPO में ही लगती है। कंपनीज हैं जो आगे अपना कनेक्शन है जो BPO से बना लेती हैं, और उसके बाद जिन लोगों ने BPO की ये जॉब है जो ज्वाइन की होती है और जिन कंपनीज के थ्रू कस्टमर्स की कॉल आती है वो उनको हैंडल करते हैं, उनकी इंक्वायरीज या फिर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और उनको सही तरह है जो गाइड करते हैं। और उसके बाद दोस्तों BPO की इस जॉब में कॉल्स को हैंडल करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में है जो बांटा जाता है, जैसे कि डोमेस्टिक टाइप, इंटरनेशनल टाइप, इनबाउंड कॉल्स, आउटबाउंड कॉल्स। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले डिस्कस करते हैं डोमेस्टिक टाइप कॉल्स में क्या होता है। तो दोस्तों डोमेस्टिक टाइप कॉल्स में पूरे इंडिया में है जो कस्टमर्स की कॉल आती हैं या फिर कस्टमर को कॉल की जाती है, इसमें आपकी लैंग्वेज है जो हिंदी, पंजाबी या फिर इंग्लिश भी हो सकती है। ज़्यादातर लोग हैं जो डोमेस्टिक टाइप को है जो चॉइस करते हैं, अगर किसी को इंग्लिश में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है तो वो डोमेस्टिक टाइप को चूज़ कर लेते हैं और उसके बाद अपनी मनपसंद लैंग्वेज हिंदी या फिर पंजाबी में है जो कॉल्स पर बात कर सकते हैं और कस्टमर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर दोस्तों डोमेस्टिक कॉल्स में सैलरी की अगर बात करें तो इसमें 13,000 से 15,000 है जो आपको मंथली मिल जाता है। और उसके बाद डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल कॉल्स में क्या होता है। तो दोस्तों इंटरनेशनल कॉल्स होती हैं जो आउट ऑफ इंडिया, मतलब आपको इंडिया से बाहर कस्टमर्स की कॉल्स आती हैं और आप सभी ने कस्टमर्स की इंक्वायरीज प्रॉब्लम्स को है जो सॉल्व करना होता है और उनको अच्छी तरह गाइड करना होता है। इंटरनेशनल कॉल्स में अगर सैलरी की बात करें तो दोस्तों इसमें 17,000 से 20,000 तक है जो आपको मंथली सैलरी है जो मिल जाती है। और उसके बाद दोस्तों हमारी 2 टाइप्स की कॉल्स हैं जो रह गई हैं, यानी कि इनबाउंड कॉल्स और आउटबाउंड कॉल्स। दोस्तों इनबाउंड कॉल्स में कस्टमर्स आपको खुद कॉल करते हैं, उनको कोई अगर इंक्वायरी करनी होती है, उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप सभी ने उनको सॉल्व करना होता है और उनको गाइड करना होता है। और उसके बाद जो आउटबाउंड कॉल्स हैं उनमें आपको खुद कस्टमर्स को कॉल करनी होती है किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग या फिर उनको कोई है जो रिमाइंडर देना होता है। तो दोस्तों ये थी वो BPO की जॉब जो आपको आसानी से मिल जाएगी।
और BPO की इस जॉब से रिलेटेड हर डिटेल्स है जो आज हमने इस वीडियो में डिस्कस की। और उसके बाद दोस्तों BPO की जॉब को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले इंटरव्यू होता है, उस इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके रिगार्डिंग भी वीडियो है जो बहुत जल्द मैं अपलोड कर दूंगा। और उसके बाद दोस्तों BPO की इस जॉब के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या रहते हैं उसके रिगार्डिंग भी वीडियो बहुत जल्द है जो चैनल पर अपलोड हो जाएगी। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और इसी तरह की वीडियोज़ की अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए।